बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मार जावेद और आप देख रहे हैं जैद इलेक्ट्रिक वर्क्स। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे पेडिस्टल फ़ैन के ब्लेड को एडजस्ट करने का तरीका। प्यारे दोस्तों, अक्सर पंखा गिरने की वजह से पंखे के ब्लेड टेढ़े हो जाते हैं। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हो कि पंखा वाइब्रेशन कर रहा है, तो इनके ब्लेड को वापस कैसे अपनी जगह पे आप कर सकते हैं। आपने एक पेचकस को पकड़ना है और जंगले के साथ आपने मजबूती को मजबूती से पकड़ लेना है इस तरह, ठीक है। और हर ब्लेड को आपने चेक करना है कि वो किस तरह पेचकस के साथ टच हो रहा है, ठीक है। ये ब्लेड देखा है दोस्तों आपने, ये जंगले की तरफ आ चुका है, यानी कि अंदर की तरफ। इसको हम थोड़ा सा खींच के बाहर निकालेंगे। बाकी जो हमारे तीन पर हैं वो ठीक हैं, यही एक पर में मसला है। ये इसको अंदर बाहर करेंगे इस तरह, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी और आसान तरीका है। आपने चारों परों को जहाँ पे आपने पेचकस रखना है, चारों परों को उसके साथ बराबर का टच करना है इस तरह, कोई पर आगे पीछे ना हो इस तरह। बिल्कुल इजी और आसान तरीका है पंखे के पर एडजस्ट करने का। पंखे के ब्लेड दोस्तों सीधे हो चुके हैं, अब आपको चला के दिखाते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पंखा चल रहा है। ब्लेड बिल्कुल बेआवाज़, बिल्कुल इस तरह कि जैसे निया 0 मीटर पंखा। आप देख सकते हैं मोटर बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं कर रही, बिल्कुल पर सीधे हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मेरे चैनल जैद इलेक्ट्रिक वर्कशॉप को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।